नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, रोज की तरह आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ नदियों के किनारे बसे हुए शहरों को आप किस तरह ध्यान में रख पाएंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन प्रायः सभी GS में पूछा जाता है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन जिनमें GS आती है उनमें यह क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है तो उसमें आपको क्लिक करना होता है। तो दोस्तों, अगर आप इस ट्रिक को अगर जानना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब मैं बात करता हूं कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर आप किस तरह याद कर पाएंगे। ट्रिक है इसकी हरी इसका बाप। हरी का मतलब हरिद्वार, इसका मतलब इलाहाबाद, का मतलब कानपुर, वा का मतलब बनारस, पा का मतलब पटना से है। दोस्तों, अब मैं समझता हूँ आप इस प्रश्न को आसानी से कर पाएंगे। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए शहर, इसकी ट्रिक है घाट में हाथी डूबा। घाट में हाथी डूबा, घाट का मतलब सोकाव घाट से है, हाथी का मतलब गुवाहाटी से है, डूबा का मतलब डिब्रूगढ़ से है। दोस्तों, ये ऐसे तीन शहर हैं जिनसे ब्रह्मपुत्र नदी होकर के गुजरती है, ये प्रमुख शहर हैं। अब मैं बात करता हूँ सतलज नदी की। दोस्तों, सतलज नदी के किनारे बसे हुए शहर, इसकी ट्रिक यह है कि फिल, केवल आपको एक वर्ड याद रखना है फिल। फिल का मतलब, फी का मतलब फिरोजपुर से है और ला का मतलब लुधियाना से है। दोस्तों, ये दो ऐसे शहर हैं जिनसे सतलज नदी होकर गुजरती है। अब बात करते हैं दोस्तों यमुना नदी की। यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर, दोस्तों हम यह कैसे याद कर रख पाएंगे, इसकी ट्रिक है यमुना दिल में आई। यमुना आपका कोई भी बेस्ट फ्रेंड है जो कि आपके दिल में आई, ठीक है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। यमुना का मतलब यमुना नदी से है, आप समझ जाएंगे यह यमुना के किनारे बसे हुए शहर है। यमुना का मतलब यमुना नदी से, दिल का मतलब दिल्ली से, मे का मतलब मथुरा और आई का मतलब आगरा से है। मतलब यमुना नदी इन तीन शहरों से प्रायः गुजरती है, हालांकि ये प्रमुख शहर हैं दिल्ली, मथुरा, आगरा। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरा मानना है अब कोई भी इस तरीके का अगर प्रश्न आता है तो आप आसानी से और कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल। इफ़ यू फेस्ड एनी प्रॉब्लम इन एनी रिगार्डिंग GS टॉपिक देन कमेंट टू मी, आई विल प्रोवाइड यू अ शॉर्ट ट्रिक ऑफ डेट। टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द मोर वीडियोज़। थैंक यू फ्रेंड्स।